मैं नाइला फरूक, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी लाइफ में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं वेट लॉस की एक रेमेडी बनाने वाली हूँ, तो जो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पूरा 75 kg जो है ना वज़न हो गया हुआ है, तो मैं कह रही हूँ चलें कुछ शुरू करती हूँ। कुछ खाने पीने में कमी पेशी करूँगी और कुछ ये देसी सा कुछ बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखें अजवैन, ये मैं उस दिन मॉडर्न स्टोर पे गई थी, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने लिए लेके आई थी और मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वो कलवंची है, ये ज़ीरा है, सौंफ है और साथ में ये जो मेथी दाना होता है वो वाला है। ये सारी जो इधर रहते हैं मलेशिया में, ये सारी चीज़ें आपको मॉडर्न स्टोर से ना ईज़ीली मिल जाएंगी। तो ये अजवाइन है, तो चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास ये 6 चीज़ें हैं, ठीक है। ज़ीरा है 50 ग्राम और अजवाइन है 50 ग्राम। 50 ग्राम ही मेरे पास ये मेथी दाना है और ये 50 ग्राम ही मेरे पास सौंफ है और 50 ग्राम ही मेरे पास कलवंजी है और काला नमक है। काला नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। कुछ लोग पता है, आपको पता है ब्लड प्रेशर के भी होते हैं, वो नहीं नमक ज़्यादा खा सकते, लेकिन मैं भी ना कम ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो इसको हम थोड़ा सा ना सेकेंगे सेकेंगे, ये नहीं कि इसको बस वो कर दें हम लोग। क्योंकि मैंने पहले की आग जलाई हुई थी, तो ये पैन मेरा जो है ना गर्म है और साथ में ये सारे जो है ना साफ़ सुथरी थी चीज़ें, तो मुझे इसको साफ़ सुथरा करना, मैंने चेक फिर भी कर लिया लेकिन मुझे साफ़ सुथरा नहीं करना पड़ा। तो चलें जी ऐसे ही मैं अपने सेक के इसको इसमें निकालती जाऊंगी। उसके बाद हमारा आता है ज़ीरा, सबको मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा ना सेक लगा लूँगी, ना इसको भूनना है ना कुछ, बस इसका जो है ना सिलापन सा जो है ना खत्म करना। फिर इसको हम आप यकीन करें इससे शर्तिया जो है ना शर्तिया वज़न कम होता है। ये हमने मेथी दाना डाला, आपके पीरियड में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपकी जो है ना इससे सही होगी। सौंफ तो इतनी प्यारी है, नई सौंफ है माशाल्लाह। सौंफ तो आपको पता है वैसे भी ये गैस वगैरह ये ख़त्म करती है पेट में से, अजवाइन हो गई, ये हो गई। ये देखें ये तो शफाई शफाई है इसमें, कलवंजी में तो माशाल्लाह। अब मैं इनको करके 5 मिनट के रखूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं इनको पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ, तो फिर बाकी का आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके इसको छान ली है और साथ में ये मेरे पास एक बोतल थी खाली कहवे की, वो मैंने वॉश करके रखी होती हैं कि ऐसे ही देखें अभी ज़रूरत पड़ गई है ना, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये मेरा अच्छी तरह से जो ना पीस गया है माशाल्लाह। तो अब हम इसमें अपना नमक डालेंगे, नमक जो है ना तकरीबन मैं 1.25 चम्मच के करीब ही डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं, तो मेरा तो ख्याल है तो इतना नमक जो है ना ठीक है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तो डिब्बे में डालते हैं, ठीक है। ये काला नमक है ये वाला, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके
बोतल में मैं डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितना लेना और किस टाइम पे ये लेना है जी। ये देखे मेरी ये रेमडी जो है वो तैयार हो गई है। तो आपने करना ऐसे है, जब सुबह उठना है खाली पेट, जिसको निर्णय पेट बोलते हैं, तो ये देखें ये एक चम्मच इतना लेना है, इतना एक चम्मच लेना है नीम गर्म पानी लेके, नीम गर्म पानी लेके, तो उसके साथ जैसे कि कहते हैं ना एक पक्का मार के इसका, तो साथ में पानी पी लो। तो अगर आपको जैसे अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि इतना है कैसे खाएंगे ये, तो आप ऐसा करें इतना भी खा सकते हैं, इतना भी खा सकते हैं। ये सुबह का जो है ना वो आपने इतना ही लेना है, ठीक है। ये आपकी पेट बिल्कुल, इससे वेट मैंने ये आजमाया हुआ है, इससे वज़न जो है ना बहुत कम होता है, पेट भी बहुत ठीक होता है, पेट भी साथ में लगता है। और साथ में जिन बच्चियों को पीरियड में कोई होता है तो कभी मतलब के खुल के नहीं आ रहे या कोई कम हो या ऐसा कुछ हो ना, तो वो भी इसके साथ ठीक होता है। फिर आपने शाम को खाने के बाद भी इतने ही नीम गर्म पानी के साथ, मतलब सोने से एक घंटा पहले आपने इतना ही नीम गर्म पानी के साथ ना इसको खाना है। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की रेमेडी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब देखें मैं भी अपना वेट लॉस करने के चक्करों में पड़ी हुई हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा ये जैसे यंग फूड जो है ना ये खाने से ना थोड़ा सा ग्रेज करें, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, KFC, ये वो, ये सारा थोड़ा सा ना वाइट करें, चावल थोड़े मतलब खाएं, ज़रूर सब कुछ खाएं आप, लेकिन इतना खाएं ये नहीं कि बार बार के ये भी खा लिया वो भी खा लिया, हाँ थोड़ा थोड़ा सा करके सब कुछ आप खाएं। तो आपको मैं डाइट का भी एक बताऊंगी कितना हमें खाना चाहिए, किस मकदार में खाना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने ये आपके साथ शेयर की है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।